भाई भाभी यार देखो आज मदर्स डे है और मेरे एग्जाम है कल, बट पहले हमारी माँ। तो वैसे मदर्स डे हमारे लिए हर दिन है, बट आज एक मौका मिल जाता है थोड़ा मिठाई विठाई मंगाने का। सही बात है ना, मम्मी ने बोला था मदर्स डे कुछ खिला तो दो मुझे, तो इसलिए हमें मंगाना पड़ा। हम मानते थोड़े हम पहाड़ी वहाड़ी मंगाते थे, तो क्या अगर वो तुम सोचो मेरा कच्चा लटक रहा है, कच्चा नहीं है वो, सपोर्टर है तो कमेंट मत करना। नहीं लिखा तो भाई हमने ये क्या है, चीज केक मंगवाया है और वो स्लाइस मेरी है चीज केक के अलग से। दिखा दिखा दिखा, चीज केक की स्लाइस। हाँ नहीं नहीं, आपको सारा नहीं देंगे, आप मोटे हो जाओगे, क्योंकि हमें आपके वो है। वो ये क्या है, इसमें भी कुछ है? नहीं तो वो है, तो काटे या ऐसे खा लें? सेलिब्रेशन होगा पूरा। चलो फिर मेरा एग्जाम है, बट अगर फेल हुआ ना फिर देखना मेरी जॉब चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पापा को बुला के ना पूरा काटते हैं। माँ जी भी आ रही ना वैसे, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 10-15 मिनट। ये भाई को भूख लग रही है मुझे पता है। भाई अकेला अलग हम खा लेते हैं ना अभी, हम अकेला अलग खा लेते हैं अभी, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलो हाँ ये फ्रिज में रख दो। अबे रखवा के रहे खुद रख, इतना बड़ा हो गया 6 फुट का। ये कहने का पहाड़ियों में नहीं होता ये, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो हम, आपको कैसा लग रहा है आपको इतने काबिल बच्चे मिले? धन्यवाद याद दिलाने के लिए कि केक मंगवाना है। अबे रहने दे चल काम कर। हाँ मम्मी ने बोला कुछ तो लाओ। अरे मम्मी ने बोला यार सब स्टेटस डाल रहे, तुमने स्टेटस तो डाला नहीं मेरे लिए, सब अपनी माओ के लिए स्टेटस डाल रहे। हम दिखावटी प्यार नहीं करते कि एक दिन कर दिए, एक दिन पैर दबा दिए, अगले दिन फिर वो कर रहे हो। बात तो सही है, हम अच्छे बच्चे ना वैसे। चलो ठीक है, इसी बात पे केक खाते नहीं मेरा हो गया। भाई दूसरी मदर भी आ चुकी है। माँ जी हेलो, दांत नहीं है, दिखाओ दांत दिखाओ। हंसो 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 ई करो। अरे माँ जी लेटर बॉक्स खोल दिया, माँ जी दांत गायब, दांत गायब। माँ जी और मैंने माँ जी को बोला कि माँ जी दांत नहीं है कोई नहीं, टप 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 करके खा लेना, पिघल जाएगा केक, ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं है। भाई देखो हमने ये लिखा है, हैप्पी मदर्स डे, लव यू माता जी। गाइस जैसे कल मेरा एग्जाम, अगर मैं फेल हुआ ना ब्लेम इनको करना, पढ़ाई क्यों नहीं करी 2 दिन पहले, खेलने क्यों गया? मेरी मर्जी, पढ़ता क्यों नहीं? भाई वो भाई इसके ना मार्क्स देखना कैसे आएंगे इस बार। सही बात है, बॉर्डर लाइन पे होंगे सारे। खेलना पता नहीं क्यों खेलना नहीं छोड़ रहा, खेलना ज्यादा जरूरी है। केक वापस करो, मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू। माँ जी ऐसे करो ना, इसे बाहर निकले डे डियर माँ जी और मम्मी, हैप्पी मदर्स। माँ जी ऐसे, अरे आप ऐसे, मैं आप ऐसे कर दो, आपका हाथ लग जाए, ऐसे करो ना ऐसे जिससे वो बाहर आ जाए टुकड़ा। हाँ चलो मैं खिलाता हूँ। माँ जी चप 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 करना क्योंकि दांत तो है नहीं। लो अरे खोलो ना मुँह, अरे खोले यार, अरे ऐसे करो, चप 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 चप। अब भी खा लो, हाँ आपके तो है, चलो अभी तो है। अब उंगली चाट लो, माँ जी उंगली चाट लो। अरे उंगली कोई चाट नहीं रहा यार, आप अपनी माँ को खिलाओ ना, माँ को खिलाओ। अरे पैर तो छूना भूल गया। चलो चलो मम्मी को भी खिलाओ, मम्मी को भी। अरे नीचे खुद अबे यार बेइज्जती कर रहा यार भाई। 19 थे आज और इट्स 19 में ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, और आज हमारा वाइव है। ठीक है भाई पढ़ लो, ये स्क्रीन पॉज करके क्या लिखा है इसमें देखो। भाई मेरा रोल नंबर जो है, और विशाल का हमारा ग्रुप है, मैं और विशाल एक ग्रुप है वाइवा के। ठीक है तो सबके वाइवा चल रहे थे, सब बढ़िया हो रहा था। हमारा एट दी एंड वाला वाइवा था, मतलब एंड रोल नंबर था हमारा, तो सबके चल रहे सही से ही हो रहे हैं। भाई जैसे 6 ग्रुप ख़त्म हुए, अपना फैकल्टी ही चेंज हो गया, जो एक्सटर्नल फैकल्टी आई है भाई, एक टीचर आ गए। और भाई पहले वो 5-5 मिनट का पूछ के निकाल रहे थे बच्चों को, ना क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे ना ज़्यादा डिटेल में जा रहे थे। अब भाई बच्चे 45 मिनट से अंदर है, भाई हमारी हालत टाइट हो रखी है। भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था बनाने का ब्लॉग, बट यार करें क्या भाई, हम इतनी देर बैठ के देखो भाई वहाँ पर वाइवा हो रहा है, बातों में दिख रहा होगा बच्चे बाहर बैठे हैं, और ये जो बच्चे भीड़ लगा के खड़े हैं आज इनके पेपर है फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों के, तो वो तो चलो दूसरी बात है। वाइवा थर्ड ईयर वालों के हैं, अंडर ग्रेड के और पीजी वालों के, सेकेंड ईयर वालों के हैं,
जो एंड सेमेस्टर वाले हैं, तो भाई हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ऐसा हमने सिचुएशन छोड़ रखी है कि जो होगा देखा जाएगा। भाई हमारा है फोरकास्टिंग यूजिंग अरिमा टू प्रेडिक्ट सीपीएम बिट प्राइस। दूसरी बात, जो हमारी दोस्त ईसा है वो अंदर ही बेहोश हो गए भाई साहब, उसका चल रहा है भाई 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट से अंदर चल क्या रहा है यही नहीं पता। पहले 5-5, 4-4 मिनट में छोड़ रहे थे भाई, बच्चे ऐसे निकल रहे थे, इतना बुरा लग रहा है। वो देखो पेपर छीन लिया कि भाई डिस्कस मत करो पेपर, देखो बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ो लड़ो मारो एक दूसरे को यार, कंटेंट दो मार भाई, तू तो छीन रहा था पेपर। चलो भाई जो भी होता मैं तुम्हें बताता हूँ, और आज है एंड, वाह वाह भी आज ख़त्म हो जाएंगे, पेपर 17 को ख़त्म हो ही गए, तो जो भी है जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं भाई, निकलना है भाई जल्दी, नहीं बहुत दिक्कत हो रही है भाई, फॉर्मल वॉर्मल पहन के भाई, कॉलेज देखा नहीं जा रहा जल्दी करो भाई, सच में देखा नहीं जा रहा भाई, आज से मुझे पार्टी करनी थी यार भाई। मैं तो भाई हनुमान चालीसा मैंने 2 बारी पढ़ ली, और मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्पम, डर लग रहा है भाई, धीरे बोल भाई, ये रूम जहाँ हमें जाना है यहाँ पर, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई। आ गए भाई 1.5-2 घंटे बाद, बात हमारा वैसे कम हुआ ना, हमारा 20-25 मिनट हुआ होगा, या फिर हम अंदर थे इसलिए हमें ज़्यादा पता नहीं चला टाइम का। नहीं टाइम बहुत जल्दी हुआ, हाँ हमारा भी हुआ था, फिर 20-25 मिनट तो हुए हैं, बट भाई ले ली भाई, ठीक है भाई, मतलब बताया भी, अब ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही हम सही होंगे आएंगे, ठीक है सही रहा, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही जाती है, हाँ थोड़ी बहुत, हाँ ये ऑप्टिमिस्टिक है बंदा, मैं भी हूँ। तो गाइस हमने जब बाहर आ रहे थे, इंटर्नशिप रिपोर्ट में ना मेरे को टीचर ने बोला था रिपोर्ट खरीद के आया, सुन तो सही, जब हम बाहर आए तो हमने जो साइन इन करवाए थे मैम से पूछा, मैम आप अंदर बैठे हुए थे, ज़रा बताओ हमसे पहले वाला कैसा हुआ, ये वो तो बोलती है तुम्हारा तुम्हारे पहले वाले से तो अच्छा था, तो वहाँ पर थोड़ी हमें खुशी मिली, और नंबर तो मिल जाएंगे तुम्हें, तो भाई चलो भाई अब चल रहे जल्दी से भाई, हमने इतनी वाहियात गलती करी है ना तुम्हें बताओ। चलो तुम्हें बता ही देता हूँ, हमारा टाइटल था कॉस्ट पर 1000 CPM इम्प्रेशंस जो होते हैं, और हमने थोड़ा चैट GPT और ये सब यूज़ करा था, उससे CPM को पता क्या यूज़ कर लिया, क्रिटिकल पाथ मेथड भाई CPM वो ले लिया, और भाई उसी हिसाब से उसे लिमिटेशन और वो सब बना दी। तो भाई ये बहुत ही बुरी चीज़ हुई हमारे साथ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हम सोच के गए थे भाई ऐसा करके आएंगे, हम ऐसा करके आएंगे टीचर हमें कुछ बोल नहीं पाएगा, हमने बोला भी ठीक था। चाय पिला दो दीदी, चाय। चलो भाई आ गए कॉलेज वापस, थोड़ा चमचागिरी करने आए नंबर चाहिए भाई, लास्ट ये है, मैंने तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा था, बट मैंने तुम्हें सहान से नहीं करवा था, सो सहान इज फ्रॉम एंड लुक हाउ सहान इज सिटिंग, सो देयर वर मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, विशाल वाज वन ऑफ देम, सहान इज वन ऑफ देम, बट ये तो नेपाल का है, ये तो ये भी हमारे पुल के उधर ही है जो राम सेतु उसको उस तरफ ही है। या सो हाउ वाज योर लाइफ ब्रो विद लाइक एवरीवन यू हैड and what about the friends you had, not like me, the whole class, and how was your experience? Why are you telling not like you? Because you are the reason I came here, man. Oh really? Because I didn't know about DTU. Okay. And my friend was going through all the videos about different universities, and there was one video, I think you were wearing a black t-shirt or something like that. Yeah. You were explaining everything, right, and just going outside through that glass door. Acha, the college tour video. Yeah, right. We didn't know you were going to be here when we come here. Yeah. But okay, from that video we understood, okay, DTU is a really good place. But to I spoke everything in Hindi. How come you understood everything? Because my friend understands. Acha, so he told you everything, yeah? He translated. He was the translator for you. Yeah. Anyway. So it was really nice. Thank you very much. Bro, thank you. I bye to this location, bye to this beautiful place. वो देखो भाई झंडा अपना लहरा रहा है हमेशा की तरह, सारे वाई वाले बच्चे आ रहे हैं फॉर्मल्स पहन के, जो हमारे अंडर ग्रेड के बच्चे उनका दूसरा एग्जाम चल रहा है, तो बेचारे ऊपर बैठे हुए, तो मैं सारे टीचर से मिल के आया था भाई, जिन जिन टीचर्स ने मुझे सबसे ज़्यादा डांटा है मैं उन सबसे मिल के आया, और आज बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था, मतलब मैं पहले सोचता था कि उनके पास नहीं जाना कि डर लगता है, बट आज बहुत अच्छे से बात हुई। चलो भैया भगवान चाहेगा तो हर दिन आऊँगा और बताओ, ठीक है, चलो सर बहुत अच्छा रहा, मिलते हैं सर, बट आपको पता है मैं आऊँगा ज़रूर। चलो this place, this gate, everything over here, it's the best.